सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूँ एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मर्न स्टैक को यूज़ करते हुए। तो वो प्रोजेक्ट मैं आपको शो करने वाला हूँ और इसका जो पूरा कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप को मैं ये दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने दो फोल्डर बना रखे हैं, पहला जो क्लाइंट है एंड दूसरा जो सर्वर है। क्लाइंट में हमने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रखी है एंड सर्वर में हमने एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करके हुए एक एप्लीकेशन बना रखी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। इसको बेसिकली मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। सो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग किट बैश को ओपन कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ से हम लोग फोल्डर में आ जाएंगे सर्वर वाले में। बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा है सीडी सर्वर, मीन्स सर्वर डायरेक्टरी में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सर्वर के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। सो फाइनली हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है सर्वर इज़ रनिंग। अब हम लोग हमारी जो रिएक्ट ऐप है उसको स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से आ जाएंगे सीडी क्लाइंट में। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे npm run dev। सो इस तरीके से हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लॉगिन पे जाएंगे डायरेक्ट, तो जो हमारा लॉगिन वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। सो जिस तरीके से हमने लॉगिन पेज को ओपन किया है उसी तरीके से हम लोग साइन अप पेज को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना है स्लैश रजिस्टर, तो साइन अप पेज हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोड एंड डेवलप। बेसिकली कोड एंड डेवलप मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोड एंड डेवलप 12। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोड एंड डेवलप 12@gmail.com एंड पासवर्ड हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे। एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो जो हमारा कोड एंड डेवलप 12 एंड ये जो मेल आईडी है एंड पासवर्ड है वो हमारे डेटाबेस के अंदर फाइनली स्टोर हो चुके हैं। एंड यहाँ से हम लोग लॉगिन करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग एक बार और रजिस्टर करके देखते हैं यहाँ पे रजिस्टर रूट पे जाके एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोड एंड डेवलप 13 एंड इसको हम लोग कॉपी करते हैं देन टैब @gmail.com देन पासवर्ड पेस्ट। जैसे ही हम लोग एक बार और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा 13 कोड एंड डेवलप 13@gmail.com है उस यूज़र का डेटा भी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है फाइनली। इस तरीके से हम लोग लॉगिन की एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो इसका अगर आपको पूरा कोड चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, वो जो पूरा कोड है वो हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।